morning. I am Ravindra Kumar Behera. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about the how torque developed in a current carrying loop. Today we are going to discuss about moving coil galvanometer. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में डिस्कशन करने से पहले जो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था उसके बारे में कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आज का डिस्कशन का टॉपिक है. सुनो जरा क्या होता है, ये कैसे काम करता है ना भाई. ये एक रेक्टेंगुलर कॉयल्स होता है वहां, और ये जो रेक्टेंगुलर कॉयल्स होता है यहाँ से जो करंट चलता है इसी करंट के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है. और मतलब ये रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने कहीं मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और वहां पे एक टॉर्क जनरेट होता है. क्या जनरेट होता है? टॉर्क जनरेट होता है. वह ऐसा कर सकते नहीं. और वो टॉर्क का वैल्यूज क्या होता है ना, आई ए बी साइन थीटा, यही होता है. एक कॉइल है और उसके लिए ये वाला टॉर्क डेवलप होता है. ओके ठीक है चलो, इसी का एप्लीकेशन इसी को लेके हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिजाइन करेंगे. पहला चीज, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्यों यूज होता है ना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द फ्लो ऑफ करंट. टू डिटेक्ट, ये क्या होता है, क्यों यूज होता है ये वाला ना, टू डिटेक्ट द फ्लो ऑफ करंट. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस. It is an electromagnetic device which is used to detect the small electric current. मतलब कोई भी एक small amount का electric current flow होता है या नहीं, ये detect करता है, ये measure नहीं करता है कितना current flow हो रहा है. Measure करता है ammeter. Galvanometer is used to only detect the whether there is the flow of current or not. हुआ? Okay, चलो. Next को देखते हैं. तो ये इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट को पहले आते हैं. इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट को कैसे आते हैं देखो ना, इसका जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है ये कैसे होता है ना, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है. मैं दो तरह के डायग्राम बनाता हूँ. वाह, एक को तुम यूज करोगे कॉन्सेप्ट के लिए, दूसरे को यूज करोगे एग्जाम के लिए, एग्जाम में मार्क लाने के लिए. देखो इधर ये क्या होता है ना, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल आया, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल आया, समझ में कि नहीं. अरे हाँ या ना, ओके. ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये टर्मिनल T1 है, ये टर्मिनल T2 है. यहां से करंट मेरा I चल रहा है. यहां पे करंट मेरा I चल रहा है, इधर भी मेरा I, T2 टर्मिनल से निकल गया. आया समझ में? ओके. अब ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसको मैंने कहा कि किसके बीच में रखा हूं ना, एक हॉर्स शू मैग्नेट के बीच में मैं इसको रखा हूं. ये हॉर्स शू मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये हॉर्स शू मैग्नेट का साउथ पोल है. आया समझ में कि नहीं? ये हॉर्स शू मैग्नेट है. पहले क्या मैंने लिया, एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया. अच्छी तरह से सुनो, इसका एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया और उसके दोनों, उस रेक्टेंगुलर कॉइल को मैंने कहां पे पुट किया हूं ना, हॉर्स शू मैग्नेट में. यहां पे पुट किया हूं हॉर्स शू मैग्नेट पे. आया समझ में कि नहीं? अच्छा ठीक. अब यहां पे क्या हुआ है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल को, मतलब हम यहां पे तुमको डायग्राम में एक ही टर्न दिखा रहे हैं मगर यहां पे अंदर उसके बहुत सारे टर्न्स होंगे. ऐसे होगा बहुत सारे टर्न्स होंगे और ये सारे टर्न्स मतलब यहां से इंसुलेटेड होगा ताकि कोई किसी को टच नहीं करेगा. टच करेगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सारे इंसुलेटेड होगा. पहली बात. दूसरी बात क्या आता है देखो, दूसरी बात ये आता है, इसको तो मैंने रख लिया हॉर्स शू मैग्नेट के बीच में और इसको फॉस्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप से इसको हैंगिंग सस्पेंड किया. फॉस्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप से यहां से मैंने क्या किया वह फॉस्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप से मैंने इसको लटकाया है, सस्पेंड किया है. इट इज द रेक्टेंगुलर कॉइल इज सस्पेंडेड इन बिटवीन टू हॉर्स शू मैग्नेट बाई ए फॉस्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप यहां से मैंने लटकाया है. नेक्स्ट थिंग, अब यहां से जब मैंने लटकाया है, यहां पे कोई एक
मीटर, मतलब मीटर स्केल तो नहीं है, यहाँ पे कोई मेजरमेंट का स्केल है, मेजरमेंट का स्केल है वह। अच्छा, अब यहां से मैंने क्या किया हूं ना, एक पॉइंटर मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है। क्यों कनेक्ट किया, ये आगे जाके पढ़ेंगे। ये जो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रीप है, ये वाला जो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रीप है, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, ये मेरा क्या है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रीप है। कौन, ये मेरा क्या है, ये मेरा पॉइंटर है, ये मेरा क्या है, पॉइंटर है। सबका काम मैं बताता हूं, ये मेरा हॉर्स शू मैग्नेट है, सबका भी काम मैं बताऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट। हॉर्स शू मैग्नेट है, ये मेरा रेक्टेंगुलर कॉयल है, आया समझ में, ओके। अब क्या होता है, फास्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप जो है वो कोई कपड़ा जैसा होगा, वाह, वो कोई कपड़ा जैसा होगा, क्या काम करते हैं उसको बाद में डिस्कशन करेंगे। सिर्फ याद रख लो, ये पॉइंटर है और ये जो है ये एक स्केल है, ये क्या है, एक स्केल है, वाह, स्केल में कुछ रीडिंग्स हुआ। और हमने क्या किया है, यहां से एक स्प्रिंग जैसा है, हेयर स्प्रिंग जैसा ये एक है, वाह, और इस टोटल को हमने एक फ्रेम में अटैच किया है, इस टोटल को हमने एक फ्रेम पे अटैच किया है, वाह, ऐसा समझ में नहीं, अरे हाँ ना, अब ये भी यहां से कनेक्टेड है, ये भी यहां से कनेक्टेड है, छोड़ो, ये फ्रेम में है। ये जो स्प्रिंग है ये एक हेयर स्प्रिंग है, ये क्या है, हेयर स्प्रिंग है, वह बहुत ही लाइट स्प्रिंग है। देखो ये था कॉन्स्ट्रक्शन, और एक बार बोलता हूँ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिनली इंसुलेटेड कॉपर वेयर, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिनली इंसुलेटेड कॉपर वेयर वन ओवर ए लाइट मेटालिक फ्रेम। सबने यहाँ पे इंसुलेटेड हुआ है, किसी के किसी को टच नहीं करेगा। नाउ द कॉइल इज सस्पेंडेड, रेक्टेंगुलर कॉइल इज सस्पेंडेड इन बिटवीन टू रेक्टेंगुलर, सॉरी इन बिटवीन टू हॉर्सशू मैग्नेट बाय ए फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप, एंड ए पॉइंटर इज अटैच्ड टू द फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप एंड दैट इज कनेक्टेड टू द स्केल, दैट इज कनेक्टेड और इट इज पॉइंटेड टू द स्केल। ए हेयर स्प्रिंग इज अटैच्ड, आया समझ में, अरे हाँ या ना, मतलब द लोअर एंड ऑफ द कॉइल इज अटैच्ड टू ए, इज कनेक्टेड टू ए हेयर स्प्रिंग, इतना हो गया। और यहाँ पे और एक चीज है, यहाँ पे और एक चीज क्या है ना, मेरा जो रेक्टेंगुलर कॉइल है उसके बीच में मैंने एक सॉफ्ट आयरन कोर रखा हूं। ये क्या है, मेरा एक सॉफ्ट आयरन कोर जो कि सिलिंड्रिकल फॉर्म का है, इसको मैं लिखता हूं भाई, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, क्या है भाई, मेरा सॉफ्ट आयरन कोर है जो सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, एंड इट इज ए फेरोमैग्नेटिक सॉफ्ट, ये बात याद रखो, इट इज ए फेरोमैग्नेटिक सॉफ्ट, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ये फेरोमैग्नेटिक सॉफ्ट जो सिलिंड्रिकल फॉर्म का है। ये कंस्ट्रक्शन चला गया, अब आता हूं, देखो नेक्स्ट, ये वाला डायग्राम तुमको समझाने के लिए मैंने किया हूं, आया समझ में, ये डायग्राम तुम्हारा क्या हुआ समझाने के लिए, इसके बाद में मैं एक डायग्राम बनाऊंगा जो तुमको एग्जाम पे करना चाहिए, वाह। अच्छा देखो कैसे काम करता है, देखो इसका वर्किंग मैं बोल देता हूं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ करंट फ्लोइंग थ्रू द रेक्टेंगुलर कॉइल, व्हेन अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द रेक्टेंगुलर कॉइल then and the rectangular coil is placed in between two magnets, in between two horseshoe magnets or in between a magnetic field, then torque is developed. जो torque मेरा develop होता है, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा, ये current यहाँ से चल रहा है, ये current ऐसे चल रहा है, हाँ कि नहीं। तो last class हमने देखा था क्या, अगर एक rectangular coil में current जा रहा है और उसको magnetic field के अंदर है तो वहां पे torque develop होगा। टॉर्क डेवलप होने से क्या होता है भाई, ये कॉइल रोटेट करेगा, कॉइल क्या करेगा, रोटेट करेगा। जब कॉइल रोटेट करेगा तो ये जो फास्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप है कोई कपड़ा जैसा है, जो कि मेरा क्या हुआ है, मतलब एक रेक्टेंगुलर कॉइल को अटैच है, दिखा रहा हूं तुमको, देखो क्या हुआ ना, ये मान के चलो कि रेक्टेंगुलर कॉइल है और ये उसका फास्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप है, आया समझ में कि नहीं। अब ये रोटेट करेगा तो ये जो फास्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप है ये भी टाइट होने लगेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर ये रोटेट करेगा तो ये क्या होगा, टाइट होने लगेगा, जैसे कपड़ा है, कपड़ा से कुछ ऐसे लटकाया हुआ है, अगर ये रेक्टेंगुलर कॉइल घूमेगा तो ये कपड़ा भी
घूमने लगेगा, मतलब ये टाइट होने लगेगा। जब टाइट होने लगेगा तो उसके साथ जो पॉइंटर कनेक्टेड है, उसके साथ जो पॉइंटर कनेक्टेड, मतलब ये जो पॉइंटर उसके साथ जो कनेक्टेड है, अब ये क्या होगा, ये भी टाइट होने लगेगा, मतलब ये घूमने लगेगा, डिफ्लेक्ट होने लगेगा। अरे ये अगर टाइट हुआ, ऐसे ऐसे टाइट हो रहा है, तो ये जो कनेक्टेड है ये भी ऐसे 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 घूमने लगेगा। अरे हाँ जी ना, ऐसे 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 घूमने लगेगा। अब ये लूज होते होते चला जाएगा, मतलब करंट नहीं होगा तो लूज होते चला जाएगा, तो ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? जब रेक्टेंगुलर कॉयल को हमने फास्फोरस ब्रोन स्ट्रिप के साथ कनेक्ट किया है, और फास्फोरस ब्रोन स्ट्रिप एक कपड़ा जैसा है, वाह, तो वहां पे क्या हुआ, अगर रेक्टेंगुलर कॉयल रोटेट करेगा तो इसके साथ जो कनेक्टेड है वो भी टाइट होने लगेगा। ये टाइट हुआ तो ये जो पॉइंटर उसके साथ कनेक्टेड है तो ये भी क्या होगा ना, डिफ्लेक्ट होते लगेगा, मतलब ये भी मूव करते हुए लगेगा। ये है उसका प्रिंसिपल कि व्हेन अ करंट कैरिंग कॉयल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन द टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड। एज द टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड देयर इज अ टर्निंग, देयर इज अ टर्न इन द द कॉयल रोटेट्स ड्यू टू टॉर्क, द कॉयल रोटेट्स। एज द कॉयल रोटेट्स द फास्फोरस ब्रोन स्ट्रिप गेट्स टाइटेड एंड the pointer attached to the phosphorus brown strip starts to deflect. तो ये deflect करना शुरू किया। भाई deflect क्यों किया? क्योंकि phosphorus brown strip ने tight हुआ। phosphorus brown strip क्यों tight हुआ? ना एक torque produce हुआ, coil rotate किया, torque produce हुआ। torque क्यों produce हुआ? ना इसके लिए current था। तो conclusion ये आया कि जब circuit में current produce हो रहा है, जब circuit में current flow होगा तो ये torque produce होगा, coil rotate करेगा, phosphorus brown strip tight होगा और pointer move करेगा। पॉइंटर मूव किया, इसका मतलब ये है कि इसने करंट के लिए कुछ डिफ्लेक्शन दिखाया है। आया समझ में? पॉइंटर डिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ ना, ये इसके लिए कुछ करंट का डिफ्लेक्शन दिखाया। ये जो स्केल हमने लिया है ये डिफ्लेक्शन को मेजर करेगा, ये डिफ्लेक्शन को मेजर करेगा कि कितना एंगल से मेरा डिफ्लेक्शन हो रहा है। आया समझ में? यहां तक मूविंग कॉइल गैल्वन मोटर का प्रिंसिपल समझ में आ गया, कैसे काम करता है, इसका वर्किंग कैसे होता है समझ में आ गया कि नहीं? पहले करंट यहां पे चलेगा, करंट जाने के बाद टॉर्क डेवलप होगा, और क्या होगा, कॉयल रोटेट करेगा, कॉयल रोटेट करने से ये टाइट होगा और ये पॉइंटर मूव करने लगेगा, पॉइंटर मूव करने लगेगा। वाह, तो पॉइंटर अगर मैंने यहां पे मूव किया, पॉइंटर मूव किया, इसका मतलब है देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ क्या, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ करंट। ऐसा समझ में नहीं आ रहे? हाँ या ना? ना इसमें कोई दिक्कत वाली बात है? वाह, तो यहां पे और एक चीज है, अगर यहां पे ये रोटेट करता है तो ये भी क्या होगा, यहां पे जो स्प्रिंग है ये भी टाइट होगा। अरे कॉयल रोटेट करेगा तो ये भी टाइट होगा जाएगा। क्या भाई मेरी बात समझ में आ रहा है? ये अगर रोटेट करेगा तो ये भी टाइट हो जाएगा। तो यहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, ये एक स्प्रिंग है, यहां पे भी एक रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? रिस्टोरिंग टॉर्क। और इसका वैल्यूज क्या होगा, ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है इसका वैल्यूज क्या होगा ना, ये जितना डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ये जितना डिफ्लेक्शन दिखाएगा, इतना डिफ्लेक्शन ये दिखाएगा, ये जितना डिफ्लेक्शन दिखाएगा उसी हिसाब से रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ये इंपॉर्टेंट है, सोचो जरा, यहाँ पे ये रोटेट करता है तो टॉर्क जनरेट होता है, ये रोटेट किया टॉर्क जनरेट हुआ, सही, और टॉर्क जनरेट हुआ इसलिए ये रोटेट किया, और ये टाइट हुआ तो ये डिफ्लेक्शन दिखाया। वो डिफ्लेक्शन क्या आता है भाई, डिफ्लेक्शन इतना आएगा जितना यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ये टॉर्क क्यों प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि स्प्रिंग है, तो ये भी टाइट हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। फिर जब करंट बंद हो जाएगा तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशंस को लौट आएगा। तो इसमें क्या डेवलप होता है, हेयर स्प्रिंग के क्या डेवलप है, रिस्टोरिंग टॉर्क। यहाँ पे डेवलप होता है टॉर्क, यहाँ पे डेवलप होता है रिस्टोरिंग टॉर्क, और ये दोनों इक्वल है। जितना टॉर्क डेवलप करेगा, जितना रोटेट करेगा यहाँ पे उतना एंगल बढ़ेगा, ये एंगल के वजह से ये रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे जो रिस्टोरिंग टॉर्क जेनरेट होता है, यहाँ पे जो रिस्टोरिंग टॉर्क जेनरेट होता है वो क्या होता है ना, टाउ डैश इक्वल टू सी इंटू फाइव, टाउ डैश इक्वल टू सी इंटू फाइव। ये सी क्या है मेरा ना, सी है रिस्टोरिंग कपल, रिस्टोरिंग कपल पर यूनिट पिस्ट। फाइव क्या है मेरा ना, फाइव इज द डिफ्लेक्टिंग एंगल, फाइव इज द डिफ्लेक्टिंग एंगल, ये याद रखो, ये आगे जाके काम आएगा। फाइव इज द डिफ्लेक्टिंग एंगल, C is the restoring couple, C is the restoring couple per unit twist, restoring couple per unit twist। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? ओके, तो स्क्रीन को पॉज करके जरा डायग्राम कर लो समझाने के लिए। मैं और एक डायग्राम करता हूं जहां पे तुमको एग्जाम पे करना चाहिए। दोनों सेम है, ये आसान सा डायग्राम है,
समझाने के लिए, और वहां पे एक डायग्राम बनाऊंगा जिसका तुमको करना है कहां पे एग्जाम के पेपर में, ताकि तुमको मार्क मिलेगा। हुआ, चलो कर लो। देखो ये जो डायग्राम हुआ है ये तुमको एग्जाम पे करना है। एक ही डायग्राम है भाई, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है और इसके बीच में सॉफ्ट आयरन कोर एक सील है। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल में है, ये फॉस्फोरस ब्रोन स्ट्रिप है और ये हेयर स्प्रिंग है और उसको टोरलेगम फ्रेम में रखे हुए हैं। और ये जो एक मिरर के तरह है, मतलब जो रीडिंग यहाँ पे आएगा, जो पॉइंटर यहाँ पे रीडिंग वो दिखाई नहीं दे रहा है। ये एक मीटर स्केल है, मतलब स्केल है, वहां पे जो रीडिंग आएगा, जो डिफ्लेक्शन दिखाएगा वो यहाँ पे मेजर होगा। आया समझ में कि नहीं? ये डायग्राम को कर लो, ये डायग्राम तुम एग्जाम पे करोगे। रेक्टेंगुलर कॉयल, बहुत सारे कोण है और ये कनेक्टेड हुआ है फॉस्फोरस ब्रोन स्ट्रिप और पॉइंटर के साथ। ये कनेक्टेड हो गया, नीचे वाला हिस्सा हेयर स्प्रिंग को कनेक्टेड है। नॉर्थ साउथ दोनों मैग्नेट है, हॉर्सू मैग्नेट, और क्या वही तो चीज है। क्या चलो कर लो। क्या हुआ यहाँ पे, क्या हमने देखा कि भाई हमारा जो नॉर्थ पोल और हमने साउथ पोल लिए थे वो हॉर्सू मैग्नेट का वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में था। आया समझ में कि नहीं? अब जो सॉफ्ट आयरन कोर भी लिए हैं वो भी सिलिंड्रिकल फॉर्म का है, हाँ कि नहीं? अब उसका टॉप व्यू दिखते हैं, उसका टॉप व्यू दिखते हैं। देखो और टॉप व्यू दिखेंगे तो वो कैसे दिखाई देगा ना, सीलिंग जो मैग्नेट्स है वो मैग्नेट्स मेरा ऐसे दिखाई देगा। आया समझ में कि नहीं? वो मैग्नेट मेरा ऐसे दिखाई देगा। वाह, कहां से? टॉप व्यू से। ये इसको हम बोलते हैं टॉप व्यू से। टॉप व्यू देखो, उसके बाद हम छोटे छोटे चीज डिस्कशन करते हैं। वाह, इसको साइड में रख लो अभी। हॉर्सू मैग्नेट, हॉर्सू मैग्नेट कैसा होगा देखो, इधर हॉर्सू मैग्नेट ऐसा होगा, ये ऐसा होगा ना, हॉर्सू मतलब ऐसा होगा, और उसको हम ऊपर से दिखेंगे, मतलब ऐसे करेंगे तो ऊपर से दिखेंगे। क्या दिखाई देगा? ऐसे सिलिंड्रिकल फॉर्म में दिखाई देगा। और जो सिलिंडर से, मतलब जो सिलिंडर से, मान लीजिए कि जो बॉटल है ये सिलिंड्रिकल फॉर्म का है, अरे हाँ याना, अब इसको ऊपर की तरह दिखेंगे तो ये क्या दिखाई देगा? सिर्फ इतना ही सर्कल वाला दिखाई देगा, स्फेरिकल शेप का, अरे हाँ याना, जो ये है ये ऐसे था, ये ऐसे था, अब इसे ऊपर से दिखेंगे तो ये क्या सर्कल दिखाई देगा? ये भी जो हॉर्सू मैग्नेट भी है वो भी सर्कल के जैसा दिखाई देगा। तो मेरा जो सॉफ्ट आयरन कोर है, जो मेरा सॉफ्ट आयरन कोर है वो क्या दिखाई देगा? वो इस तरह दिखाई देगा। आया समझ में? और उसमें रेक्टेंगुलर कॉयल भी है, तो रेक्टेंगुलर कॉयल कैसे दिखाई देगा ना भाई? रेक्टेंगुलर कॉयल ऐसे दिखाई देगा। आया समझ में कि नहीं? रेक्टेंगुलर कॉयल ये है, ऊपर से दिखेंगे तो क्या है? स्ट्रिप जैसा दिखाई देगा, एक लाइन जैसा दिखाई देगा। तो ये है मेरा, क्या है मेरा, मेरा जो क्या होता है इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कॉयल। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं थोड़ा सा, ये मेरा रेक्टेंगुलर कॉयल है, रेक्टेंगुलर कॉयल, ये मेरा सॉफ्ट आयरन कोर जो कि सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे छोटा देखो, और ये मेरा हॉर्स शू मैग्नेट है, ये मेरा हॉर्स शू मैग्नेट है। आया समझ में कि नहीं? ओके, अब देखो कहानी क्या बनता है। एज, सुनो जरा अच्छी तरह से, एज सॉफ्ट आयरन कोर इज सिलिंड्रिकल फॉर्म एंड हॉर्स शू इज ऑल्सो सिलिंड्रिकल फॉर्म, सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर रेडियल। रेडियल का मतलब क्या है ना, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है पहली बात, तो ये क्या करेगा ना, सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट करेगा। सॉफ्ट आयरन कोर क्या है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो ये क्या करेगा, सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करेगा। वाह, तो पहली बात यह है कि सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को अट्रैक्ट किया। दूसरी बात यह है कि दोनों जब सिलिंड्रिकल फॉर्म हो गए, तो दोनों जो सिलिंड्रिकल फॉर्म का हो गए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, प्लेन, तो कॉयल का प्लेन पे एक्ट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेगा, कॉयल के प्लेन पे एक्ट करेगा। सेकंड, थर्ड चीज क्या हो गया, अब ये सिलिंड्रिकल शेप को ये दिखाई दे रहा है, स्फेरिकल शेप में दिखाई दे रहा है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा, सारे रेडियस को पास करते हुए नजर आएंगे। ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर डिरेक्टेड टुवर्ड्स द रेडियस, अलोंग द रेडियस एंड डिरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तीन चीज यहाँ पे याद रखो, पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सॉफ्ट आयरन कोर अट्रैक्ट ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पहला चीज ये है कि सॉफ्ट आयरन कोर अट्रैक्ट ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छी तरह से देखो, मैं थोड़ा एक चीज बता रहा हूं, ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दूसरा चीज ये है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are along the plane of the coil. क्यों हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन ऑफ द कॉइल के लिए क्यों हुआ? क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर एंड हॉर्सू मैग्नेट आर सिलिंड्रिकल फॉर्म. थर्ड चीज क्या है? ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are along the radius and is directed towards the center. ये तीन चीज यहाँ पे इंपोर्टेंट है. ये क्यों हुआ? मैग्नेटिक फील्ड आर अलॉन्ग द as soft iron core and horseshoe magnet and magnet are cylindrical form. आया समझ में कि नहीं? आर सिलिंड्रिकल फॉर्म. और ये क्यों हुआ? ये क्यों अपने तरफ अट्रैक्ट हो गया? क्योंकि ये जो टॉप व्यू से दिखाई देता है magnetic field lines are along the radius and it is directed towards the center because due to cylindrical shape of soft iron core. आया समझ में कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? ये तीन चीज याद रखने की जरूरी है क्योंकि यहां पे हमको कुछ डाटाज मिलने वाला है. देखो सॉफ्ट आयरन कोर अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. क्यों? क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है. पहली बात. दूसरी बात है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अलोंग द फ्लेम ऑफ द कॉइल आर सॉफ्ट आयरन कोर एंड मैग्नेटिक मैग्नेट मतलब हॉर्सू मैग्नेट्स आर ऑफ सिलिंड्रिकल फॉर्म. ये सिलिंड्रिकल फॉर्म से तो ये क्या हो जाएगा ना प्लेन ऑफ द कॉइल मतलब दोनों का मैग्नेटिक फील्ड मतलब देखो सॉफ्ट आयरन कोर से मतलब जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये जो है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा सॉफ्ट आयरन कोर के. सॉफ्ट आयरन कोर के लिए मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द रेडियस एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. और जो रेक्टेंगुलर कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाने वाला था मगर ये सॉफ्ट आयरन कोर क्या है? एक अट्रैक्ट करता है हमेशा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और अट्रैक्ट करता है तो ये जो ऐसे जाने वाला था वो भी ऐसे हो जाएगा. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये ऐसे जाके सेंटर देके या यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और ये अगर ऐसे चलेगा तो ये ऐसे ऐसे चलेगा. आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना. अब ये ऐसे चलेगा तो ये भी सेंटर को देके यहां से निकलेगा. आया समझ में मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूं सर? सारे मैग्नेटिक फील्ड जाना चाहते थे ऐसे ऐसे मगर ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये क्या क्या अपने तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अट्रैक्ट कर लिया तो ये क्या हो जाएगा? सब सेंटर के तरह पास करते हुए नजर में आएंगे. आया समझने की नहीं? अरे हाँ या ना. तो तुम सोच रहे हो कि सारे मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऐसे आ गए. अब जब सारे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ गए सुनो जरा सारे मैग्नेटिक फील्ड जब ऐसे आ गए तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अलोंग द प्लेन ऑफ द कॉइल आर सॉफ्ट आयरन कोर एंड मैग्नेट्स आर सिलिंड्रिकल फॉर्म. तो सिलिंड्रिकल फॉर्म दोनों है इसीलिए ये दोनों क्या हो गए? सेम डायरेक्शंस पे आ गए. तो यहां पे जो रेक्टेंगुलर कॉइल का जो एरिया वेक्टर होगा सुनो जरा रेक्टेंगुलर कॉइल का जो एरिया वेक्टर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या आएगा? प्लेन ऑफ द कॉइल. सुनो जरा प्लेन ऑफ द कॉइल हमेशा क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड के साथ रहता है. तो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल करेगा? 90 डिग्री. ये इंपॉर्टेंट है. यहां से ये पॉइंट से कंक्लूजन मुझको मिल रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अलोंग द प्लेन ऑफ द कॉइल मतलब प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो उसका एरिया वेक्टर क्या करता है ना 90 डिग्री. तो थीटा मेरा क्या आ जाएगा? 90 डिग्री. ये इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं. आया समझ में? यहां पे बहुत सारे चीज आपको कंक्लूजन से मिल रहा है कि भाई सॉफ्ट आयरन कोर मेरा सिलिंड्रिकल फॉर्म है तो ये क्या करेगा? सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा. दूसरी चीज ये है कि सॉफ्ट आयरन कोर एंड हॉर्सू मैग्नेट आर ऑल्सो सिलिंड्रिकल फॉर्म. अगर दोनों सिलिंड्रिकल फॉर्म में हो गए तो ये जो
मैग्नेटिक फील्ड्स अगर ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में है तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब रेडियस से सेंटर की तरफ आएगा। आया समझ में? सारे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर की तरफ आ रहा है। थर्ड चीज क्या हुआ, अगर ऐसा हुआ तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम लाइन पे आ गए तो प्लेन जहां जहां घूमेगा, मतलब देखो ये जैसे जैसे घूमेगा ये ऐसे है तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होगा, मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होगा। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल से। आया समझ में कि नहीं? सॉरी ऐसे नहीं, ये ऐसे होगा, वहां ये ऐसे होगा। तो यहां से ऐसे निकलेगा, यहां से ऐसे चलते हुए नजर आएगा, मतलब नॉर्थ पोल से निकल रहा है साउथ पोल को जा रहा है। अगर ये मान के चलो कि ये थोड़ा घूम गया, ये जो कॉयल है ये थोड़ा घूम गया तो उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड घूम जाएगा, उसके हिसाब से भी क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड घूमेगा। और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या आएगा ना, उसी प्लेन में, उसी प्लेन ऑफ द कॉयल के अलोंग आएगा। और प्लेन ऑफ द कॉयल के अलोंग आता है तो उसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो एरिया वेक्टर के साथ जो एंगल होगा उसी को हम बोलते हैं कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होगा। आया समझ में? अरे हाँ या ना। अच्छा, यहाँ पे आता है कि यहाँ पे जो लाइन्स आ रहा है दैट आर पैरेलल, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ रहा है दैट इज ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉयल। एंड सुनो तीन चीजें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज ऑलवेज पैरेलल टू द मैग्नेटिक प्लेन ऑफ द कॉयल। दूसरा चीज है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ये रेडियली एक्ट कर रहा है तो इसी मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं ना? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। आया समझ में कि नहीं? क्या बोलते हैं हम इसको? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड? द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स व्हिच आर ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर आर नोन एज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। कंप्लीट, काम खत्म, यहाँ पे हो गया। ओके, अब तुम बोलोगे देखो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे और एक दिक्कत है कि तुमको दिखाई दे रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से आ रहा है। अच्छा एक काम करो, ये डायग्राम बना लो, ये डायग्राम पूरा बना लो, ये भी लिख लो और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का जो डेफिनेशन मैंने बोला लिख लो, बोला वा। अच्छा ये थोड़ा ये डायग्राम को मिटाने जा रहा हूं। ये डायग्राम कैसे दिखना चाहिए, देखो इधर थोड़ा सा देखो क्या होता है डायग्राम में। डायग्राम में मैंने क्या लिया था, मैंने एक हॉर्स डायग्राम में क्या किया था ना, एक हॉर्स शू मैग्नेट का टॉप व्यू लिया था। ये टॉप व्यू मेरा इस तरह का था, वह टॉप व्यू मेरा इस तरह का था और इसके अंदर एक कॉयल था, मतलब कॉयल मतलब एक सॉफ्ट आयरन कोर था। आया समझ में? ये क्या था मेरा? सॉफ्ट आयरन कोर और ये था मेरा हॉर्स शू मैग्नेट। अब यहां से तुमको दिखाई दिया, अब यहां से तुमको दिखाई दिया कि जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं, जो लाइंस ऑफ फोर्स मेरा हो रहा है ये इस तरह एंट्री कर रहा है और यहां से ऐसे निकल रहा है, ये इस तरह एंट्री कर रहा है, यहां पे सेंटर है तो ये यहां से ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है। आया समझ में कि नहीं? और तुमको दिखाई दिया कि ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे चल रहा है। एक्चुअली में ये नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कहानी क्या बनता है, अंदर का कहानी, ये ऐसे नहीं होता अंदर में, अंदर का कहानी क्या बनता है ना, अंदर का कहानी कुछ ऐसे बनता है, कुछ ऐसे बनता है। आया समझ में कि नहीं? आया समझ में कि नहीं? अब ये अगर ऐसे चलता तो ये ऐसे निकलता, निकलता यहां से ऐसे चलता तो यहां से ऐसे निकलता, मगर ये यहाँ पे क्या होता है ना, ये यहां से ऐसे चलता है। आया समझ में? ये अंदर का चीज यहाँ पे होता है। आया समझ में? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, तो अंदर का कहानी ये वाला है, ये याद रखना। कोई बोलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, तो कैसे एक के यहां से आएगा, पास कैसे करेगा? नहीं, एक्चुअली का कहानी ये है कि हमको दिखाई दे रहा है कि ये यहां से आ रहा है, ये यहां से जा रहा है, ये यहां से आ रहा है, ये यहां से नहीं, अंदर में ये क्या होता है, ऐसे चलते हैं। आया समझ में? अरे हाँ या ना। चलो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो। अब यहाँ पे ये केस को आते हैं, अगर यहाँ पे थीटा 90 डिग्री हो रहा है तो टॉर्क कैसे जनरेट होगा। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया कि दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर,
So that magnetic field lines are known as radial magnetic field. As the magnetic field lines are always parallel or along the plane of the coil, so the angle between its area vector and magnetic field is 90 degrees. तो यहाँ पे टॉर्क कैसे जनरेट होगा ना, टॉर्क का फॉर्मूला है, टॉर्क का मेरा फॉर्मूला है टाउ इक्वल टू, टॉर्क का मेरा फॉर्मूला है टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। एन कहां से आया ना, अगर एक कॉयल हम लेते हैं तो आई ए बी साइन थीटा हो रहे, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, एन नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पे, तो एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए मेरा क्या आएगा टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, एन आई ए बी साइन 90, तो tau इक्वल टू क्या आ जाएगा एन आई ए बी, tau इक्वल टू क्या आ जाएगा एन आई ए बी, आया समझ में? ओके, अगर tau इक्वल टू एन आई ए बी आ जाता है तो एट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जितना टॉर्क यहाँ पे डेवलप करेगा कौन रेक्टेंगुलर कॉइल, उतना ही डिफ्लेक्शन स्प्रिंग लेके आएगा, पॉइंटर लेके आएगा, पॉइंटर क्यों लेके आता है ना, स्प्रिंग वगैरह टाइपिंग होता है, तो वहां पर रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है। तो एट इक्विलिब्रियम में बोल सकता हूं, एट इक्विलिब्रियम में बोल सकता हूं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क, आया समझ में कि नहीं? तो ये वाला होता है मेरा क्या, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है ना टाउ, रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है टाउ डैश, एन आई ए बी टाउ डैश होता है मेरा क्या, टाउ डैश मेरा होता है सी फाई, टाउ डैश मेरा होता है सी फाई, आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना, तो आई इक्वल टू क्या आ जाता है, आई इक्वल टू सी बाई एन ए बी, सी बाई एन ए बी इंटू फाई, आया समझ में? आई इक्वल टू क्या हो जाता है जी इंटू फाई, ये z क्या है ना, c कांस्टेंट है मेरा, c एक कांस्टेंट है रिस्टोरिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट, c कांस्टेंट है, n मेरा नंबर ऑफ टर्न्स, a मेरा एरिया ऑफ द कॉइल, b मेरा मैग्नेटिक फील्ड, सारे टर्म्स कांस्टेंट, तो मैंने इसको एक कांस्टेंट लिख लिया i इक्वल टू z फाई। ओके, स्क्रीन को पॉज करके सारे चीज लिख लो, ये मैं मिटाने जा रहा हूं। थीटा क्या है, जी सर थीटा है, जी क्या है मेरा ना, जी इज द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, जी इज द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, आया समझ में कि नहीं? अच्छा, सी समझ में आया ना, रिस्टोरिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट, मतलब एक छोटा सा एंगल के लिए, छोटा सा ट्विस्ट, छोटा सा एंगल टॉर्न के लिए वहां पे कितना रिस्टोरिंग कपल या रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट, टॉर्क जो है कपल वही है, रिस्टोरिंग टॉर्क या रिस्टोरिंग कपल कितना जनरेट होता है। ओके, तो ये था मेरा जी इक्वल गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। फाई कैसे डिटरमिन होगा ना, उसके जी जो एंगल मेजर करना है, स्केल के साथ जो पॉइंटर अटैच हुआ है वहां पे मेजर होगा। तो ये था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कहानी, पूरा स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, और उसके बाद एक लिखेंगे करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, लास्ट पार्ट आज के क्लास का। वाह, चलो स्क्रीन को पॉज करके कर लो, नेक्स्ट वाला लिखते हैं करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या लिखेंगे, करंट सेंसिटिविटी पहले लिखते हैं, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, एक सेंसेशन चाहिए। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, मतलब वो कब शुरू करेगा, वो कब काम करना शुरू करेगा भाई, जब वो जो पॉइंटर है, जो वो पॉइंटर ऐसे अटैच हुआ है फास्फोरस ब्रोन स्ट्रिप को, जब यहाँ पे कुछ भी डिफ्लेक्शन होगा ना, ये जो फाइ का वैल्यू कुछ भी डिफ्लेक्शन हुआ ना, तो हम बोलेंगे कि इसका सेंसिटिविटी है, हम बोलेंगे कि इसका सेंसिटिविटी है। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, कहीं पे कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, कहीं पे कुछ क्या होगा, एक सेंसेशन आएगा। तो गैल्वेनोमीटर में सेंसेशन कब आता है, जब करंट फ्लो होता है और ये जो फाइ हमको दिखाता है। मान के चलो कि अगर करंट सेंसिटिविटी को मैंने एसआई ले लिया, एसआई ले लिया, डेफिनेशन दो तरह के हो सकता है। एक पहला डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ एसआई इक्वल टू आई बाई फाइव, एसआई इक्वल टू आई बाई फाइव, सेंसिटिविटी का डेफिनेशन एसआई इक्वल टू आई बाई फाइव मैंने क्यों लिखा ना, मैं लिख रहा हूं कि मिनिमम करंट रिक्वायर्ड, यहाँ पे डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं मिनिमम करंट रिक्वायर्ड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, मिनिमम करंट रिक्वायर्ड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, समझ में? करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द मिनिमम करंट रिक्वायर्ड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। अगर यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए मिनिमम करंट चाहिए तो फाइ जितना ज्यादा होगा, सुनो जरा अच्छी तरह से, यहां पे क्या मैं बोल रहा हूं, करंट सेंसिटिविटी क्या है, एसआई है, फाइ जितना ज्यादा होगा, सुनो जरा, फाइ जितना ज्यादा होगा
करंट सेंसिटिव उतना होगा। अरे हाँ यंगा, फाई जितना ज्यादा होगा, फाई अगर इंक्रीज हुआ तो मेरा, अच्छा देखो यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी को हम ऐसा ही नहीं लेते हैं, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन क्या लिया, ये बहुत अजब तरीके डेफिनेशन है। करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द मिनिमम करंट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन। करंट मिनिमम होगा तो एसआई मेरा क्या हो जाएगा, मतलब करंट जितना ज्यादा होगा एसआई ज्यादा होगा, करंट जितना कम होगा एसआई उतना कम होगा। मगर टोटल टर्म को मैं करंट सेंसिटिविटी तब बोलूंगा कि जब मिनिमम डिफ्लेक्शन यहां पे आ जाएगा तो करंट सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाएगा। तो फाइ डिक्रीज इंक्रीज होगा तो एसआई मेरा क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। एसआई, एसआई को करंट सेंसिटिविटी टर्म से यहां पे मत दिखो, डेफिनेशन को, लॉजिक को दिखो, लॉजिक को दिखो। फाइ ज्यादा होने से, फाइ ज्यादा होने से मेरा करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगा, मेरा करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगा। आया समझ में कि नहीं, फाई ज्यादा होने से करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगा। आई का वैल्यूज क्या है, आई का वैल्यूज क्या है ना, आई का वैल्यूज है सी बाई एन ए बी फाई। आई का वैल्यू सी बाई एन ए बी, फाई नीचे भी है तो फाई से फाई कैंसल आउट, एस आई इक्वल टू क्या आएगा, सी बाई एन ए बी, सी बाई एन ए बी। सुनो जरा, यहाँ पे फाई इंक्रीज होना चाहिए करंट सेंसिटिविटी ज्यादा के लिए, फाई इंक्रीज होना चाहिए। फाइ इंक्रीज हुआ तो एसआई क्या होगा ना, एसआई डिक्रीज होना चाहिए। एसआई डिक्रीज हुआ तो एन का वैल्यू क्या आएगा ना, एन का वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए, ए का वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए, बी का वैल्यू भी इंक्रीज होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, फाइ इंक्रीज हुआ तो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगा। तो फाइ इंक्रीज हुआ तो एसआई क्या हो जाएगा, लेस। यहां पर तो बोलोगे सर आप एसआई को तो करंट सेंसिटिविटी ले रहे हैं, नहीं एसआई को मैं करंट सेंसिटिविटी नहीं लेता, ये उसका डेफिनेशन कुछ अलग तरह का है। यहाँ इसके बाद जो डेफिनेशन बोलूंगा वो आसान डेफिनेशन से, यहाँ पे लॉजिक, क्योंकि बुक में कहीं कहीं बुक में ये भी दिया गया है, वह इस तरह का दिया गया है कि SI इक्वल टू आई बाई फाइव फॉर्मूला, फॉर्मूला में कोई गलत नहीं है, हमको समझने में गलत है। हमने क्या किया, करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द मिनिमम करंट रिक्वायर्ड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। अब मिनिमम करंट रिक्वायर्ड पर यूनिट डिफ्लेक्शन डेफिनेशन रीजन से क्या हो जाएगा, आई बाई फाइव, इसको हम SI से रिप्रेजेंट कर लिए। मगर एसआई मेरा करंट सेंसिटिविटी इस डेफिनेशन के लिए नहीं है, इस डेफिनेशन के लिए एसआई मेरा करंट सेंसिटिविटी नहीं है, ये कुछ और है। वाह, सिर्फ इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक टर्म को आई बाई फाइव को, फाइव ज्यादा होगा तो करंट सेंसिटिविटी मोर हो जाएगा। अब डेफिनेशन के हिसाब से देखो, फाइव ज्यादा होगा तो एसआई मेरा क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। एसआई मेरा लेस हुआ तो एम क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना चाहिए, एरिया इंक्रीज होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होना चाहिए। तो गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए, गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी मेरा इंक्रीज करने के लिए मुझे क्या चाहिए ना, नंबर ऑफ टर्न्स इन द रेक्टेंगुलर कॉइल ज्यादा होना चाहिए, एरिया ऑफ द कॉइल ज्यादा होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होना चाहिए। आया समझ में यहां तक। अब दूसरा डेफिनेशन दिखो, अल्टी डेफिनेशन, अल्टरनेटिव डेफिनेशन दिखो। अल्टा डेफिनेशन बोल रहा है कि एसआई इक्वल टू मेरा 5 बाई आई होगा, एसआई इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा 5 बाई हो जाएगा। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड, इसका डेफिनेशन क्या था है? देखो, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड, करंट सेंसिटिविटी इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन ए यूनिट करंट, when a unit current flows through it, when a unit current flows through it, when a unit current flows through it, deflection produced in the galvanometer when a unit current flows through it, as when SI equal to क्या हो जाता है, 5 by I। तो यहाँ पे क्या देखो ना, 5 by I, I का values क्या है, C by NAB into 5, ये SI है मेरा। तो एसआई मेरा क्या हो जाता है, फाइव से फाइव कैंसल, एन ए बी बाई सी, एसआई इक्वल टू एन ए बी बाई सी। यहां पे एसआई को हम करंट सेंसिटिविटी लेते हैं, कि डिफ्लेक्शन, करंट सेंसिटिविटी इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट व्हेन ए यूनिट करंट फ्लोस थ्रू इट। करंट अगर यूनिट जाएगा तो यहां पे डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा और ये सेंसिटिविटी। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से फाइव इंक्रीज होगा तो जो करंट सेंसिटिविटी मेरा एसआई है वो भी इंक्रीज होगा। यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू एसआई, यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी एसआई नहीं है, यहाँ पे ये आई बाई फाइव टोटल टर्म को हम करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। फाइव इंक्रीज होगा तो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगा, एसआई डिक्रीज होगा। दोनों अलग तरह के डेफिनेशन से, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट।
तो ये फाई इंक्रीज हुआ, ये डेफिनेशन के लिए फाई इंक्रीज हुआ तो करंट सेंसिटिविटी जो एसआई है, यहां पे एसआई इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी, यहां पे एसआई इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी, आया समझ में कि नहीं? अब एसआई इंक्रीज हुआ तो एन भी यहां पे न्यूमरेटर में है तो एन इंक्रीज हो जाएगा, ए भी इंक्रीज हो जाएगा, बी भी इंक्रीज हो जाएगा, एन इंक्रीज होगा, ए इंक्रीज होगा और बी भी इंक्रीज हो जाएगा, आया समझ में? अरे हाँ या ना, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करते हैं हम, क्या डिस्कशन करेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी, क्या डिस्कशन करेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है ना, मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, एस वी इक्वल टू वी बाई फाइव, वही पहली वाली केस, पहला वाला केस हम लिखेंगे, मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड, मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, वाह, तो पर यूनिट डिफ्लेक्शन के में ना फाई ज्यादा होगा, फाई ज्यादा होगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है वो ज्यादा होगा, मतलब एस भी ज्यादा नहीं होगा, सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा होगा, क्या मेरी बात समझ में आ रही, फाई ज्यादा होगा वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा होगा, फाई ज्यादा होगा तो एस भी लेस हो जाएगा, वी का वैल्यूज क्या आएगा, वी का वैल्यूज क्या आएगा ना, वी का वैल्यूज है मेरा आई वी इक्वल टू आई आर बाई फाइव, आई का वैल्यूज है सी बाई एन ए बी इंटू फाइव आर बाई फाइव, फाइव से फाइव कैंसल आउट, ये दूसरा चीज है, तो C बाई एन ए बी इंटू आर, ये एस बी, फाई इंक्रीज होगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज होगा, एस बी डिक्रीज होना चाहिए, एस बी डिक्रीज होगा तो एन इंक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, आया समझ में कि नहीं, एन इंक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने से मुझे सेंसिटिविटी मेरा इंक्रीज होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी मेरा इंक्रीज होगा, आया समझ में? देखो वहां पे जो करंट सेंसिटिविटी का दोनों डेफिनेशन लिखे थे कंडीशन सेम आ रहा है, वाह, मतलब कंडीशन सेम आएगा, समझने की तरीका दूसरा होगा, वाह, डेफिनेशन सिर्फ अलग अलग है, तुमको जो डेफिनेशन पसंद आया तुम वही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, वाह एक ही चीज है। अब इसका अल्टरनेटिव डेफिनेशन पे क्या आएगा, अल्टरनेटिव डेफिनेशन पे क्या आएगा कि एस बी इक्वल टू फाइव बाई वी, एस बी इक्वल टू फाइव बाई वी, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर, इन द गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन ए यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन ए यूनिट, ये मिनिमम वोल्टेज है या मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, कोई एक ही चीज लिख लो, यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड टू इट, आई समझ में, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन ए यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड टू इट, तो देखो एस बी इक्वल टू फाइव बाई वी, फाइव वी की जगह आई आर, फाइव आई की जगह सी बाई एन ए बी, सी बाई एन ए बी फाइव आर, तो ये फाइव से फाइव कैंसल आउट हो गया, एस बी मेरा आ गया एन ए बी डिवाइडेड बाई सी इंटू आर, एस बी इक्वल टू एन ए बी बाई सी इंटू आर, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, कंडीशन क्या आ जाएगा ना, फाइव अगर मेरा ज्यादा होना चाहिए, हमेशा सेंसिटिविटी मोर के लिए मुझे फाइव ज्यादा होना चाहिए, फाइव ज्यादा होगा तो मेरा वोल्टेज सेंसिटिविटी भी ज्यादा होना चाहिए, एस बी ज्यादा होना चाहिए या फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी मेरा ज्यादा होना चाहिए, तो ये अगर हुआ तो एन मुझे ज्यादा चाहिए, एस बी ज्यादा हुआ तो एन मुझे ज्यादा चाहिए, एरिया भी मुझे ज्यादा चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड भी मुझे ज्यादा चाहिए, आया समझ में? तो दोनों में कंडीशन सेम है, ये वाला दोनों कंडीशन फॉर मोर सेंसिटिविटी, दोनों का कंडीशन सेम है, आया समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो, तो ठीक है आज के क्लास में इतना ही था, अगर आज के क्लास में कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो, वाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ये मूविंग कॉइल कन्वर्टर की नेक्स्ट चीज है कन्वर्शन पार्ट, वाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, वाह थैंक यू।